हरे कृष्णा। नमोम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास जी महाराज इति नामिने। नमोम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। मेरा फर्स्ट लेक्चर है और गुरु महाराज जी का डे बिफोर ही कॉल आया कि आपको ग्लोरीफाई करना है राधा रानी को, और मैंने आज से पहले कभी कोई क्लास नहीं ली एंड तो फर्स्ट लेक्चर है, तो आप प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं अच्छे से इसको डिलीवर कर पाऊँ। थैंक यू गुरु महाराज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामी हरि प्रिय। राधा रानी को और कृष्ण जी को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनके उनको अच्छे से प्रे करने के लिए हमें ये दो सुंदर श्लोक दिए गए हैं, क्योंकि आज राधाष्टमी है तो हम राधा रानी के इस प्रे वाले श्लोक को थोड़ा समझते हैं। तप्त कांचन गौरांगी, हम कहते हैं कि राधा रानी की जो जिन उनका शरीर की जो इफल्जेंस है दैट इज़ वेरी इट्स ऑफ गोल्डन कलर, वो सुनहरे रंग की है, मोल्टन गोल्ड। जैसे एक सोना होता है उसको आप फायर में हीट करते हो, जितना सोने को आप तपाते हो उतनी उसकी शाइन बढ़ती जाती है, तो राधा रानी का बॉडी कॉम्प्लेक्शन इतना ज़्यादा सुनहरा है कि वो कृष्ण जी के साइड में जाके अगर खड़ी हो जाती है तो कृष्ण जी भी गोल्डन दिखने लगते हैं। तो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी, वृषभानु की, राजा वृषभानु की वो बेटी है। प्रणमामी हरि प्रिय, वो कृष्ण जी की सबसे ज़्यादा प्रिय नित्य प्रेयसी है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। जैसे श्री कृष्ण के अंगिनत नाम है मदन मोहन केशव माधव, ऐसे ही राधा रानी के भी अंगिनत नाम है। उन्हें हम वृंदावनेश्वरी के नाम से जानते हैं, मदन मोहिनी भी उन्हें कहा जाता है, उन्हें गोलोक वासिनी, गंधर्विका, किशोरी, ये सब राधा रानी के ही नाम हैं। राधा रानी, जैसे श्यामानंद प्रभु जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, राधा रानी और कृष्ण जी दोनों सेम ही हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज ने भी अपने लेक्चर में काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है, जैसे मूंगफली के दो दाने होते हैं और उसमें जो कवरिंग होती है वो कृष्ण जी होते हैं, अंदर जो दो दाने एक राधा रानी एक कृष्ण जी, बट जो कवरिंग है वो पूरे कृष्ण जी है। क्यों? क्योंकि राधा रानी कृष्ण जी के अंदर से ही निकली है, राधा उनके लेफ्ट साइड वाम साइड से वो एक्सपैंड हुई है, तभी हम देखते हैं राधा रानी को कृष्ण जी के लेफ्ट साइड में ही प्लेस किया जाता है, उनके राइट साइड से बलराम जी का विस्तार हुआ था। इसके ऊपर एक श्लोक भी है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रणाम शास्त्र प्रमाण। मतलब अगर कृष्ण जी शक्तिमान है तो राधा रानी उनकी शक्ति है, एक शक्तिमान से उसकी शक्ति कभी अलग नहीं की जाती, दोनों सेम ही होते हैं। राधा रानी कृष्ण जी का पहला विस्तार है, वो उनकी इटर्नल कॉन्सर्ट या फिर हम कहें नित्य प्रेयसी है। इसकी हम एक एनालॉजी ले सकते हैं, श्री कृष्ण जी के पास सब कुछ है, सारे पूरे 6 ऑपुलेंसेस हैं उनके पास, बट फिर भी अगर हम एक एनालॉजी ले, एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, उसके पास सब कुछ है, बट अगर उसको एक उसके उसके पास घर में सब कुछ है बट उसके पास इंजॉय करने के लिए कोई नहीं, वो किसके साथ अपने जॉयज़ अपने सॉरोज़ किसके साथ शेयर करेगा, तो
हर किसी को कोई ना कोई ज़रूर चाहिए होता है जिसके साथ वो इन्जॉय करे. ऐसी वैसे श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण हैं, परंतु उन्हें एक दिन बैठे बैठे ऐसा फील हुआ कि उन्हें इन्जॉय करना है. तो जैसे गुरु माँ ने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि राधा रानी एकदम से प्रकट हो गई, और उनका नाम के अगर दो टुकड़े करे तो रा और धा, क्योंकि वो प्रकट होती श्री कृष्ण के चरणों में फूल डालने एकदम से भागी, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया राधा. और शायद से श्री कृष्ण उस टाइम पे रासमंडल में बैठे थे, तो इसलिए रा वर्ड वहाँ से आता है, रासमंडल का रा. और धा के लिए एक संस्कृत वर्ड यूज़ किया था गुरु माँ ने, मुझे याद नहीं आ रहा, धा वर्ड वहाँ से रा धा. राधा रानी के अनेक गुण हैं, मतलब इतने सारे हैं, जितने उनके नाम उतने उनके गुण. हम वर्णन करने बैठे तो शायद हमारी लाइफ ही एग्जॉस्ट हो जाए, बट उसमें से जो सबसे मेन गुण है वो है उनकी भक्त वत्सलता. जैसे गुरु माँ ने बताया, राधा रानी के अंदर इतनी करुणा है, उनके अंदर इतनी मर्सी है, इतनी ज़्यादा वो मर्सीफुल है कि वो खुद इतनी ज़्यादा, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, वो सर्वोच्चम भक्त है, वो भगवान की नित्य प्रेयसी, प्रमुख भक्त और प्रमुख प्रेयसी है. बट फिर भी कोई डिवोटी, एक न्यूफाइड डिवोटी भी अगर उनके पास आता है, कृष्ण जी के पास एक कदम बढ़ाता है, तो राधा रानी उन्हें ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे उस डिवोटी से अच्छा कोई नहीं है, वो डिवोटी जैसे राधा रानी से भी बहुत ज़्यादा अच्छा, वो ऐसे प्रेजेंट करते, वो इतनी मर्सीफुल है. इनफैक्ट आई थिंक अगर हम राधा रानी की वो देखेंगे, विग्रह को देखेंगे, उनका विग्रह भी ऐसे होता है कई बार, वो मतलब श्री कृष्ण जी को रेफर करिए कि देखो ये मुझसे अच्छा है, आप इसकी सेवा स्वीकार करो, वो इतनी ज़्यादा मर्सीफुल होती है. और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मुझ तक जो आपका मार्ग है वो डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, आपको एक भक्त के थ्रू या एक गुरु के थ्रू ही मुझ तक पहुंचना चाहिए. तो ये भी कहा जाता है जो मेरा भक्त है, कृष्ण जी कहते हैं जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है. तो राधा रानी कृष्ण जी की प्रमुख भक्त है, और अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो कृष्ण जी तक हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा. इसमें एक भागवत गीता में 7th chapter 3rd श्लोक है, मनुष्य नाम सहस्रेशु काश्चित यताति सिद्धया, यतातन अपि सिद्ध नाम काश्चित वेति मम तत्वतः. कहने का मतलब, कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है, एवं 1000 सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है. कहने का मतलब, अगर हम भगवान को, श्री कृष्ण को सिद्धि के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे तो ये मार्ग हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है. हज़ारों करोड़ों में से कोई एक शायद उनकी तरफ बढ़े, और उन हज़ारों करोड़ों में से भी कोई एक शायद उन्हें जाने और टिका रहे, पर राधा रानी के थ्रू, उनकी भक्ति के थ्रू, श्री कृष्ण को प्लीज़ करके, राधा रानी को प्लीज़ करके भक्ति का मार्ग अपना के सबके लिए बहुत आसान हो जाता है. चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए बहुत आसान कर दिए कि हर कोई भगवान की तरफ प्रमुख हो, कोई उनसे उन्मुख ना रहे. यद्यपि श्री कृष्ण वेदहाम समातितानी है, मतलब वह सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उन्हें सब पता है, परंतु फिर भी उनके लिए भी टफ है राधा रानी के भाव को जानना. इसीलिए उन्होंने स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपीयर हुए अर्थ पे, जिससे वो जान पाए कि राधा रानी ऐसा क्या फील करती है, क्या है उनके अंदर, ऐसा मैं भी तो फील करके देखूं. और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर आके हमें बताया कि विप्रलम्भ तत्व क्या होता है. गुरु महाराज जी ने शुक्रताल में बहुत बहुत प्यारा लेक्चर दिया था, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, बहुत अच्छा लेक्चर था. तो चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें बहुत सिखाया कि क्या भक्ति होती है. वो राधा तत्व ही था, राधा भाव ही था, वो भगवान से हर वक्त विरह फील करना, एक सेपरेशन फील करना, जैसे कि दो लवर्स होते हैं और वो अगर मिल नहीं पाते तो हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, और उस सोच में पता नहीं वो
आँखों से आंसू आते हैं और पता नहीं क्या क्या फील करते हैं, तो वो हमें बताया गया है। वही हमारे हरे कृष्णा इस्कॉन का लक्ष्य भी है, विप्रलम्ब तत्व, और वही हमारा भाव भी है, जो भाव हमें अल्टीमेटली माला करके और साधु संग करके अल्टीमेटली जहाँ तक हमें पहुँचाएगा। हमने देखा है कि शास्त्रों में राधा रानी का नाम कहीं मेंशन नहीं है, ना भागवतम में ना भागवत गीता में। ऐसा क्यों? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल, या फिर हिंदी में बोले बहुत ज़्यादा गोपनीय टॉपिक है ये, उन्हें जानबूझ के कहीं नहीं एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट अगर हम भागवतम में भी देखेंगे, उन्हें प्रमुख गोपी के नाम से संबोधित किया गया, कहीं पर भी राधा रानी मेंशन ही नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानबूझ के उनको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कोई इतना केपेबल है कि वो उनको ग्लोरीफाई कर पाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उन्होंने पर्सनली राधा रानी के भाव को, और हेंस राधा रानी को प्रीच किया कि ऐसी है राधा रानी, ये है राधा रानी, और ये है राधा रानी का भाव। एक श्लोक है, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। कहने का मतलब, श्री राधा रानी शी इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ महाभाव, मतलब वो महाभाव की मूरत है। उन महाभाव में अभी एक्सप्लेन करूँगी क्या होता है, वो महाभाव की मूरत है। उनके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ है, ऑल ए टू जेड, एक सारी उनके अंदर आपको मिलेगी। एंड शी इज़ द क्रेस्ट ज्वेल अमंग ऑल द लवली कॉन्सर्ट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मतलब भगवान की जितनी प्रेयसी है वो उनमें टॉप मोस्ट है, उनसे ऊँचा कोई नहीं है। महाभाव क्या है? महाभाव में एट टाइप के सिम्टम्स होते हैं जो आप एक साथ एक्सपीरियंस करते हो। जब बहुत ज़्यादा आप इंटेंस किसी के लिए इमोशन फील कर रहे हो, ये सारे एक साथ होते हैं। पर ये महाभाव आज तक सिर्फ 3 पर्सनालिटीज़ ने ही एक्सपीरियंस किया है। एक श्री राधा रानी ने खुद किया है, एक चैतन्य महाप्रभु ने, और एक माधवेंद्र पुरी ने। उसके अलावा इन 8 में से 1, 2, 3, 4 बेशक सबने करे हो, पर 8ों के 8 एक साथ किसी ने नहीं करे। ये 8 कौन कौन से हैं? आप मेरी हेल्प करेंगे, मुझे 6 आते हैं। एक मैं आपको उससे पहले श्लोक बताती हूँ। श्री शिष्टकाष्टकम के 6th वर्स में लिखा है, नैनम गलद अश्रुधार्य वदनम गदगद रुद्यागिरा पुलकिर निचतम वपु कदा तव नामा घ्राणे भविष्यति। कहने का मतलब, नैनम गलद अश्रुधार्य, कब मेरी आँखों से आंसू की धारा निकलेगी। वदनम गदगद रुद्यागिरा, कब मेरा कंठ एकदम चोक होगा। जैसे हम फील करते हैं ना, जब हमें रोना आता है और हम बोल नहीं पाते, बोलना चाहते और हमारा गला एकदम बंद हो जाता है, थ्रोट एकदम चोक होगा। कब मैं ऐसे सेपरेशन या इतना फील करूँगा भगवान के लिए, कब मेरा थ्रोट ऐसे चोक होगा। पुलकिर निजतम वपु कदा, जब हम बहुत इंटेंस इमोशन फील करते हैं, हमारी बॉडी पे गूज़बम्स आ जाते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर होते हैं वो एकदम खड़े हो जाते हैं। कोई भी टाइप का इंटेंस इमोशन हो सकता है, आप किसी के लिए प्रेम हो सकता है, आपका डर हो सकता है, पर वो भी एक इमोशन। कब मैं ऐसे फील करूँगा, कब मैं भगवान का नाम लेते लेते मेरे आँखों से आंसू आएंगे, कब मेरा गला बंद हो जाएगा, कब मेरे गूज़बम्स होंगे, कब मेरे हाथ पैरों के बाल एकदम एंड पे खड़े हो जाएंगे, कब ऐसा होगा। ये 3 प्रकार के महाभाव के सिम्टम्स हैं, आँखों से आंसू आना, थ्रोट चोक होना, आपके गूज़बम्स होना। उसके अलावा बॉडी का कलर भी आपका बदलता है, एकदम आप स्टैचू जाते हो, स्थिर हो जाते हो, आप हिल ही नहीं पाते, आप शिवर करते हो बहुत ज़्यादा। ये 6 मुझे पता है, मुझे 2 नहीं पता। अगर आप कोई हेल्प करेगा मेरी, श्यामानंद प्रभु जी। नहीं, बाकी सब वैष्णव के लिए आप हेल्प करिए। आँखों से आंसू आना, थ्रोट चोक होना, स्टैचू हो जाना, शिवर करना, बॉडी का कलर बदलना, गूज़बम्स आना, और 2 और है,
पसीना आना और हाँ वो कवर्ड है। गिर पड़ना ये दो और है, पसीना आना शरीर से और एकदम एकदम आप गिर जाते हो, जॉइंट्स आपके अच्छा बड़े हो जाते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स है वो लॉन्ग हो जाती है, थोड़ी एक्सटेंड हो जाते हैं आपकी जो बोन्स है वो एक्सटेंड हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो आठ सिम्टम्स क्या है, आँखों से आंसू आना, थ्रोट चोक होना, गूज बम्स, कलर ऑफ द बॉडी चेंजेस, स्टैचू, शिवरिंग, पसीना आना और बोन्स इलॉन्गेट होना या फिर आप गिर जाते हो। तो ये आठ प्रकार के महाभाव है। तो राधा रानी जब ये एक्सपीरियंस करती है ना, उन्हें उसमें भी गुस्सा आता है, वो जब उनके आँखों से आंसू निकलते हैं ना उन्हें तब भी बहुत गुस्सा आता है, पता है क्यों? क्योंकि वो कहती है भगवान की जो मैं सेवा कर रही हूँ ये उसमें अर्चन बन रहा है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्यों मेरी आँखों से आंसू आ रहे हैं। मतलब उनके अंदर महाभाव है और महाभाव के लिए भी उनके अंदर ऐसी फील है, इतनी एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी है वो, मतलब क्या कहे उनके बारे में, जितना भी हम बोले जो भी बोले मे भी हम क्वालिफाइड नहीं हैं, और इतना उन्हीं की कृपा है कि हम इतना उन्हें समझ पा रहे और बोल पा रहे हैं, नहीं तो हमारे शास्त्रों में तो एकदम हिडन है, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। राधा रानी की मैं आपको 25 प्रिंसिपल क्वालिटीज़ भी एक बार डिस्क्राइब करना चाहूँगी। राधा रानी बहुत मधुर है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो नवव्याह है, मतलब वो हमेशा यूथफुल रहती है, वो कभी ओल्ड नहीं होती। वो उनकी आँखें रेस्टलेस आइज़ है, मतलब वो तिरछी नज़रों से देखती हैं हमेशा। वो उनकी जो स्माइल है बहुत ब्राइट है, उनके एकदम रेड कलर के लिप्स है और एकदम वाइट कलर के उनके सुंदर सुंदर दांत, जैसे पर्ल लगा रखे हो बहुत सारे, इतनी सुंदर और इतनी ब्राइट स्माइल होती है उनकी। उनकी उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस लाइन्स होती है, उनके थ्रोट पे, उनके फोरहेड पे, उनके हैंड्स पे, उनके फीट पे बहुत सुंदर सुंदर और बहुत ऑस्पिशियस लाइन्स होती हैं। उनकी जो बॉडी की फ्रेग्रेंस है, जो अरोमा आता है, जो खुशबू आती है उनकी बॉडी से, वो कृष्ण जी को अट्रैक्ट कर लेती है। इसके ऊपर मेरे पास एक श्लोक भी है, जगत मोहना कृष्णा तनहरा मोहिनी अतएव समस्तेरा परा ठकुरानी। मतलब श्री कृष्ण खुद मदन मोहन है, पर जो कामदेव है वो भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं कृष्ण जी से, पर राधा रानी ऐसी है कि वो कृष्ण जी को भी अट्रैक्ट कर देती है। कृष्ण जी का नाम का मतलब ही है ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको एकदम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बट राधा रानी ऐसी है कि वो कृष्ण जी को भी अट्रैक्ट कर देती है, मतलब हमारी कल्पना से भी परे, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतनी सुंदर है। वो एक्सपर्ट सिंगर है, बहुत उनको जितनी भी म्यूज़िक में कला है, जितने भी उन जितनी भी उसमें एक्सपर्टीज़ है वो सारी उनके पास है। इनफैक्ट हमारे भी अंदर जो भी सिंगिंग की या म्यूज़िकल क्वालिटीज़ आती है वो उनसे ही फ्लो होती है, जो भी थोड़ी बहुत है। उनकी स्पीच बहुत चार्मिंग है, बहुत अच्छा बोलती है वो जोकिंग में एक्सपर्ट है। कृष्ण जी के साथ जब वो बैठ के हास्य व्यंग करती है या फिर जब वो टीज वाले प्लेस करते हैं तो वो बहुत अच्छे से जोक करते हैं, उन्हें पता है कि कृष्ण जी को कैसे हंसाना है। बहुत हम्बल है, बहुत मर्सीफुल है, बहुत कनिंग भी है वो। शी इज़ एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज़, उन्हें पता है कि अपनी ड्यूटी को कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। बहुत ज़्यादा शाय नेचर की है, शाय हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा शाय को शर्मीली आप कह सकते हो, मुझे इससे अच्छा वर्ड नहीं आ रहा है, आई नो द वर्ड शाय। बहुत रिस्पेक्टफुल है, कोई भी आता है बेशक इतनी ज़्यादा एग्जॉल्टेड है, वो खुद श्री कृष्ण है पर फिर भी वो सबको रिस्पेक्ट ऑफर करती है। बहुत काम है, ग्रेव है, मतलब शांत है प्लस गंभीर है बहुत ज़्यादा। उनका नेचर बहुत प्लेफुल है, वो हर हर वक्त उन्हें पता है
एक प्लेफुल नेचर जो होता है, बहुत प्यारा सा नेचर होता है, उन्हें पता है वो हर वक्त इन्जॉय करती रहती है, महाभाव है उनके अंदर, उनके उनसे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता श्री कृष्ण को. वो सबसे सारे डिवोटीज में से सबसे ज़्यादा फेमस है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्शन है सारे डिवोटीज के लिए. और वो उनकी जितनी भी गोपी फ्रेंड्स है, ललिता, विशाखा और जितनी भी इतनी मिलियंस उनके पास गोपीज़ हैं, वो उनसे भी बहुत प्रेम करती है, इतना कि वो उनसे कंट्रोल भी हो जाती है. वो चीफ गोपी है और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, वो कृष्ण जी को अपने कंट्रोल में रखती है. तो अल्टीमेटली अगर हमें कृष्ण जी को पाना है तो हमें पता है हमें कहाँ जाना है, राधा रानी के पास. हरे कृष्णा.